Dear students, mathematics 10th class chapter 3 linear equations in two variables exercise 3.5 ka pehla question hai hamara which of the following pairs of linear equations has unique solution no solution or infinitely many solutions ye nimnlikhit to hame niche linear equations de rakhi hu unme se kis kis ka hal ek adutiya hal hai koi hal nahi hai aparimit roop se anek hal hai in case there is a unique solution यदि एक अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में find it by using cross multiplication method तो हमें उसको cross multiplication method से solve करना है वज्रगुणन विधि से। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि unique solutions में क्या होता है। यदि a1 upon a2 ऐसे a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 हो तो एक unique solution होता है। no solution में a1 upon a2 equal b1 upon b2 और not equal to c1 upon c2 होता है। इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस में तीनों बराबर होते हैं अर्थात a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2। यहां पे हमारी जो लाइंस होती हैं यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो वैसे इसमें पूछा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। नो सॉल्यूशन में लाइंस पैरेलल होती हैं और इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस में लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फार्मूला क्या होता है हमारा एक्स वाई और वन यहाँ पे b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 इसका मतलब b1 की c2 से b2 की c1 से c1 की a2 से c2 की a1 से a1 की b2 से और a2 की b1 से। तो इसका पहला इक्वेशंस जो हमें मेथड इक्वेशंस का जो पेयर दे रखा है वो है एक्स माइनस 3y-3=0 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड पे 3x-9y-2=0। तो यहाँ पे हमारा जो पहले इक्वेशन में x के साथ होगा वो a1 होगा यहाँ पे वन हो गया a1 b1 इक्वल -3 और c1 इक्वल -3। इसी प्रकार a2 3 b2 -9 और c2 ये 2 हो जाएगा हमारा माइनस का। अब हम यहाँ करते हैं a1 अपॉन a2 तो क्या है 1/3 b1 अपॉन b2 करेंगे तो -3 अपॉन -9 -3 कैंसिल 3 से 3 टाइम्स तो ये भी 1/3 हो गया। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 करते हैं तो -3 अपॉन -2 माइनस से माइनस कैंसिल क्या हो गया 3/2। तो इसमें क्या है हमारा कि हियर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 सो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहां पे नो सॉल्यूशन है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। इसको केवल हम तभी सॉल्व करेंगे जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है हमारा 2x+y=5। इस 5 को हम इधर ले जाएंगे तो 2x+y-5=0 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार 3x+2y=8। 3x+2y 8 को इधर ले जाएंगे माइनस का 8=0 ये सेकंड है। इसमें भी हम a1 upon a2 करते हैं तो a1 upon a2 2 upon 3 हो जाएगा। b1 upon b2 करते हैं तो 1 upon 2 हो जाएगा और c1 upon c2 करते हैं तो क्या होगा -5 upon -8 माइनस से माइनस कैंसिल इट मींस 5 upon 8। तो यहां पे क्या है a1 upon a2 2 upon 3 और b1 upon b2 1 upon 2 तो a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है जो हमें पहले ही उन्होंने पूछा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे यहां पे x y और 1 रखेंगे तो b1 b1 कितना है हमारा 1 c1 -5 और a1 2 हो गया और फिर हमारा आएगा यहाँ पे b1 1 आएगा। इनके नीचे हम ले लेंगे a2 2 है c2 -8 है a2 3 है और b2 2 है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 से b1 की c2 से मल्टीप्लाई -8 माइनस में b2 की c1 से b2 c1। इसी प्रकार y के अपॉन में c1 a2 -c2 a1 1 के अपॉन में a1 b2 -a2 b1। यहाँ पे हमारा x अपॉन -8 --+10 y अपॉन 5
माइनस के प्लस में ए टू जे 16 इक्वल 1 अपॉन में 2 टू 4 माइनस 3 वन जे 3। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ हमारा आ गया x अपॉन 2, यहाँ पे y अपॉन 1, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 2 रह गया, यहाँ 16 में से 15 1 रह गया, यहाँ 4 में से 3 1 अपॉन, अब 1 अपॉन 1। अब हम x की भी कंपेयरिंग 1 से कर लेंगे और y की, तो x अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x इक्वल 2 हो गया, y अपॉन 1 है इसकी भी 1 अपॉन 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल कितना आ गया 1, ये हमारी वैल्यू आ गई x की x इक्वल 2 और y इक्वल 1। इसी के साथ थैंक्स।